आज मैं आप लोग के साथ टमाटर के कट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आलू के पराठों के साथ या किसी भी पराठों के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। या साइड डिश के तौर पे भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आइए मिलकर टमाटर के कट बनाते हैं। ये टमाटर का कट बनाने के लिए हाफ के जी के करीब टोमेटोज लिए हैं, जिसको फाइनली चॉप कर लिया है। ये 3 मीडियम साइज की अनियन है, प्याज इसका समझिए 1 पाव के करीब है इसका वेट। थोड़ा सा हरा धनिया, कोरिएंडर चॉप किया हुआ, शुगर, चीनी, शक्कर 2 to 3 tablespoons, आलू बुखारा, ड्राई प्लम्स ये मैंने 8 से 10 लिए हैं, 1/4 cup के करीब ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट, कुटी हुई रेड चिली, क्रश रेड चिली ये 1 teaspoon लिया है, कलौंजी, ब्लैक सीड्स ये मैंने 1/2 teaspoon लिया है, ये 1 हरी मिर्ची है ग्रीन चिली जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये 2 से 3 साबित लाल मिर्ची होल रेड चिली, और ये 8-10 कड़ी पत्ता करी लीव, इसके साथ ये 2 से 4 tablespoon 2 to 4 tablespoon विनेगर डालूंगी। अब आए हम सब चीजों को डाल के पकाते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले ये रेड चिली और ये करी लीव डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ये कलौंजी डालेंगे। प्याज, अनियन, प्याज को लाल नहीं करना है, बस इसको हल्का सा ऑयल में सौते करेंगे और फिर टोमेटोज ऐड कर देंगे। अब ये देखिए प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है, बस ये हल्का सा हमने इसको ऑयल में 30-40 seconds के लिए सौते किया, अभी इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे, सॉल्ट, नमक, लाल मिर्ची, क्रश रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्ची, ग्रीन चिली, ये हम सारा नहीं डाल रहे हैं कहीं तेजी ना ज्यादा हो जाए, आलू बुखारे, बस। अब ये सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके कुक करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये टमाटर अपना पानी छोड़ के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इसको मिक्स करके एंड में शुगर और विनेगर डाल देंगे। ये देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, अब ये इसी पानी में ये टमाटर का कट पक के तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल तैयार है, हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये टमाटर का कट तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको ज़रूर पसंद आएगा। और इसको आप साइड डिश के तौर पे टेबल पे रखें, सबको ज़रूर पसंद आएगा। चिकन के साथ, मटन के साथ या किसी और दाल सब्जी के साथ रखें, सबको ज़रूर पसंद आएगा। आलू पराठे के साथ बनाया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर रेसिपीज़. थैंक यू, बाय.